मैं ही पीनू ना महावीर सर, एक बार बस मुझे इतना सा क्लियर कर। हाँ जी मैम, अभी तो आती हूँ। सर अब मेरी बात को ये चीज समझना, हम लोगों के पास ना नो के नो प्लेनेट है सर, ठीक है सर, हमारे पास नो प्लेनेट हो जाते हैं। नो प्लेनेट में से कोई भी व्यक्ति मेरे पास, जब मुझे थोड़ा सा चार्ट के प्रोमिस को चेक करना है, ठीक है मैम, जिसके यहाँ से थोड़ा सा हल्ला आ रहा है ना वो म्यूट करो, किसके यहाँ से आ रहा है ये देखो, रूपाली मैम आपके यहाँ से मुझे लग रहा था आ रहा होगा। तो फिर ये चीज हम लोगों को देखनी है कि कौन सा प्लेनेट मेरे चार्ट में अच्छा काम कर रहा है, कौन सा प्लेनेट मेरे चार्ट में खराब काम कर रहा है। सबसे पहले तो मुझे इस चीज को देखना है कि वो आया कैसा रूप लेकर है। एग्जाम्पल के लिए मेरे चार्ट के अंदर प्रोमिस बना हुआ है जुपिटर मार्स का सर, तो सर ये जुपिटर मार्स मुझे क्या बताता है कि कहीं कभी ना कभी मेरा एक्सीडेंट वगैरह का प्रोमिस हो रखा है सर चार्ट के अंदर ही, ये कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है। सेम इसी तरीके से सर मरकरी के साथ में मेरा केतु जुड़ गया है ना, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मेरी एजुकेशन में कहीं ना कहीं मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सेम इसी तरीके से सर अगर मेरा मार्स किसी भी तरीके से राहु से जुड़ गया, केतु से जुड़ गया, सैटर्न से जुड़ गया, तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लैंड लेने में या कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ मेरी दिक्कतें रह सकती हैं। ये चीज हम लोग चार्ट में एक प्रोमिस के रूप में देखते हैं। फिर भी सर कई लोग दिखे होंगे, एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति आ गया मेरे प्रोफेशन में दिक्कत, तो प्रोफेशन सर उसका बंदे का ना लिंक भी कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन तब भी हमें दिखा कि उसके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। लिंक भी सर हम लोगों का दिखा, व्यक्ति का ये लिंक हो रखा है तो लिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर अगर देखा जाए तो हम लोगों का, लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से प्रोफेशन में एक दिक्कत ही पा रहा है। तो सर इसके लिए जो हम लोगों को देखना है ना, थोड़ा सा हम लोग इस पर चलेंगे अपना नक्षत्रा पर, BNN में नक्षत्रा का यूज कैसे करें, ठीक है सर, BNN में नक्षत्रा का यूज किस तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ मैं अभी इसके बाद एक चैप्टर और लूंगी, वैसे गोचर आगे है लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगी। तो इसमें सर हम लोगों को देखना है नक्षत्रा का यूज किस तरीके से किया जाएगा। तो नक्षत्रा का जब मुझे यूज करना है यहाँ पर सर, मैं एक चार्ट लगा रही हूँ, चार्ट को प्लीज एक बार देखिएगा, मैं समझाने की भी कोशिश करती हूँ। सर ये अभी के टाइम पीरियड का ना मेरे पास चार्ट निकल कर आया, ठीक है, ये अभी के टाइम पीरियड का मेरे पास चार्ट निकल कर आ गया। तो जब आपके भी आप लोगों ने यही चीज करनी है, सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास जो चार्ट है आपने क्या करना है, आपका चंद्रमा किस नक्षत्रा में है या आपका विमशोत्री दशा किससे शुरू हुई है, ठीक है मैम, इतना सा करना है। अगर यहाँ पर एक बात करी जाए तो मून किसके नक्षत्रा में, मैम यहाँ पर केतु के नक्षत्र में दिख रहा है हम लोगों को, और साथ ही साथ हम लोगों को दिख रहा है जो दशा सिस्टम चालू हो रहा है व्यक्ति का, केतु से चालू हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहीं से ही आपका विमशोत्री दशा पैटर्न स्टार्ट हो जाता है सर कहीं ना कहीं पर। अब मुझे ये दिख गया है कि भाई केतु से शुरू हुआ है, अब मैम इसको मैं तारा चक्र में परिवर्तित करने के लिए जा रहा हूँ सर। अगर मैं इसका ये सिस्टम बनाऊंगी तो हम लोगों को तो ये सीधा सिस्टम दिख रहा है दशा सीक्वेंस का, जैसा हमारा चलता है ये हमें सीधा सिस्टम दिख गया। तो सर पहला किसका हो गया हम लोगों का, केतु हो गया, दो नंबर पर सर हम लोगों का शुक्र हो गया जी, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ठीक है सर, ये हम लोगों का दशा सीक्वेंस बन गया सामने वाले व्यक्ति का, ये सीक्वेंस बन गया ये क्योंकि इसका चंद्रमा इस नक्षत्र में था सर। जो हम लोगों को दिक्कत देता है ना नक्षत्र में, जब भी हम लोग पैदा होते हैं उससे पहला तीसरा पांचवा सातवां हम लोग बोल सकते हैं इन प्लेनेट से संबंधित व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। अब सर यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर केतु क्या है सर हम लोगों का, अगर व्यक्ति केतु से जुड़ा हुआ कुछ काम करने के लिए जाएगा व्यक्ति की इंटेंशन यहाँ कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। अभी हमें ऊपरी तौर पर एक चीज ये चीज नजर आ रही है कि केतु व्यक्ति की इंटेंशन कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, नाना नानी से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है इसको किसी ना किसी प्रकार से, क्यों, क्योंकि इस चीज का कारक है, जो इस चीज का कारक है उनसे जुड़ी हुई व्यक्ति को समस्या आ सकती है।
अब यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ सर पिता या पुत्र से समस्या हो सकती है या गवर्नमेंट से किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना सर, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। पांचवा मंगल, हस्बैंड से या ब्रदर से किसी भी प्रकार की दिक्कत आ सकती है या व्यक्ति को लैंड लेने में दिक्कत आ सकती है या व्यक्ति के एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होते रहते होंगे। एक सिर्फ हम लोग नॉर्मल जज कर रहे हैं सर इन चीजों से, सिर्फ क्या उठा रहे हैं हम लोग, कारक तत्व को उठा रहे हैं। जी गुरु की बात करी जाए सर तो गुरु व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्कूल में टीचर से कहीं ना कहीं दिक्कत रहती हो या टीचर से इसको कहीं दिक्कत रहती हो सर, ये चीजें मुझे अभी चार्ट में ये चीज समझा रही है, ये चीजें समझा रही है सर मुझे। अब सर अगर मुझे इसकी असलियत पर जा रहा है कि इस व्यक्ति को क्या कभी पैसे से संबंधित दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, क्या इस व्यक्ति को प्रोफेशन से संबंधित दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, क्या इसको एजुकेशन या बिजनेस से रिलेटेड दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, तो उसके लिए अब मुझे चलना पड़ेगा इसके अंदर कि व्यक्ति को लाइफ में किस चीज के प्रति लेकर दिक्कत लेकर व्यक्ति आया है। अगर दिक्कत नहीं लाया तो वो दिक्कतें कब आएंगी, इतनी सी बात होती है सर हम लोगों की, ठीक है। अब सर ये चार्ट हम लोगों के सामने पे आ जाता है, नक्षत्रों का यूज कैसे किया जाए सर। अब ये चार्ट, ये चंद्रमा है सर, चंद्रमा, एक मिनट पर, चंद्रमा हम लोगों का किस चीज का कारक होता है, चंद्रमा चेंज का कारक है, चंद्रमा फ्लो का कारक है, ठीक है, चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक है, चंद्रमा ब्लेम का भी कारक है सर, कहते हैं ना चंद्रमा नेगेटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पर ब्लेम्स भी लगते रहते हैं, ब्लेम्स भी लगते रहते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करी जाए चंद्रमा सर किसके नक्षत्र, स्टार लॉर्ड पर देखिएगा आप लोग, हाँ नक्षत्र आप उसको बोलते हैं, चंद्रमा यहाँ किसके नक्षत्र में है मैम, केतु, केतु के। अब ये बताइए सर व्यक्ति को चंद्रमा से रिलेटेड व्यक्ति के फ्लो में दिक्कत हो सकती है जी, व्यक्ति पर ब्लेम लग सकता है, जी, व्यक्ति कभी भी चेंज करने के बारे में सोचता है व्यक्ति को दिक्कतें आती होंगी जी, दिक्कतें आती होंगी, मतलब चंद्रमा का काम करेंगे तो केतु दिक्कत दे रहा है। हाँ क्यों, दिक्कत क्यों दे रहा है मैम जिसने भी मुझे बोला, क्योंकि ये क्या बनकर आ गया है हमारे सामने, 1 3 5 7 वन बनकर आ गया है, ये समझ नहीं आया बट ऐसे क्यों लिया आपने मैम, ये हम लोगों का नवतारा सीक्वेंस होता है नक्षत्र के हिसाब से। अच्छा ठीक है, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत देता है, हर वक्त दिक्कत देता है ऐसा नहीं है, उस पर भी मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतना, आगे चलते हैं मैम। सूर्य मेरे किसके नक्षत्र, सूर्य मेरे लिए क्या बनकर इधर आया था, सूर्य मेरे लिए दिक्कत वाला प्लेनेट बनकर आया था, ठीक है सर, नहीं सबसे पहले सूर्य बनकर क्या आया था सर, सूर्य मेरे लिए दिक्कत बनकर आया था इधर, सूर्य मेरे लिए इधर दिक्कत बनकर आया था। सूर्य के कारक क्या क्या है सर, सूर्य का कारक है गवर्नमेंट, पिता है, पुत्र है, जो ऊपरी तौर पर तो दिख रही है, इनके साथ में आपको दिक्कत रह सकती है, गवर्नमेंट से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखा सर सूर्य किसका, किसके उसमें है, वीनस के उसमें है, वीनस के उसमें, अब वीनस मेरे लिए क्या है, लेकिन यही सूर्य दिक्कतों के बाद बंदे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाएगा सर, एक वेल्थ दे जाएगा, अच्छा बनकर आया है मैम सामने वाले व्यक्ति के लिए, अच्छा बनकर आया हुआ है सामने वाले व्यक्ति के लिए। अब इसी में मैम इसी से ही चलते हैं हम लोग, ये व्यक्ति पूछ रहा है क्या मेरे प्रोफेशन में मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, प्रोफेशन सर शनि हो गया हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है ना, शनि किसके नक्षत्र में है सर, शनि राहु के नक्षत्र में, राहु पर देखिए सर राहु कैसा है, प्रोफेशन फिर भी इसके कहीं ना कहीं सही रहेंगे। डिजायर कौन देता है सर हम लोगों को, राहु देता है, राहु हम लोगों की डिजायर है मैम, राहु देखिए क्या मेरी इच्छा पूर्ति होंगी, क्या इच्छा पूर्ति होगी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बताइए मैम क्या बोलती है, दिक्कतों का, इच्छा पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इच्छा पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्यों दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, राहु मेरा डिजायर है, ठीक है सर राहु मेरा डिजायर है, किसके नक्षत्र में है यहाँ पर, राहु केतु के नक्षत्र में, केतु सामने वाले के लिए क्या है सर, अच्छा नहीं। अब इतने से में किसी को कुछ डाउट है ना, डाउट क्लियर करो, उसके बाद में आप लोगों के चार्ट से आप लोगों को 2-3 चार्ट पर समझा देती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी जो चीज मुझे लेनी। मैम एक एक करके बोलना, पूछ लेती हूँ मैम, ये जो आपने बताया है कि केतु और उसके बाद सूर्य या फिर मंगल, तो ये तो जिसका भी चार्ट होगा उसके अलग ये तीसरा ही नंबर का हमको दिक्कतें देगा, जो तीन तीन नंबर में जो आया है, जैसे केतु एक पहला कदम, इसको आप लोग जन्म बोलते हैं, विपत्त दिक्कत देता है, आपका प्रत्यारी दिक्कत देता है, और आपका वध
इसको ये नाम दिए जाते हैं, दूसरे को जो नाम दिया जाता है संपत, चौथे को शेम, छह को साधक, आठ को मित्र, इसको अतिमित्र। ठीक है मैम, ये बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लूंगी मैं नक्षत्र का बीएनएन में कैसे यूज होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों का एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग गोचर को देखने के लिए लगेंगे ना, जुपिटर का लिंक मंगल से भी दिखेगा, जुपिटर का लिंक आपको सैटर्न से भी दिखेगा। आप इस टाइम पीरियड पर व्यक्ति को कब बोल सकते हो आपके प्रोफेशन में अच्छा होगा या आपको प्रोफेशन में दिक्कत आएगी, आप कब बोल सकते हो कि एक्सीडेंट होगा, कब बोल सकते हो लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है ना सर, ये कब हम लोग बोल सकते हैं, मैं इस तरीके से आपको चीज देने पर जा रही हूँ, लेकिन पहले सिर्फ इतनी सी बात को समझाने की कोशिश करूं कि कोई प्लैनेट आपके लिए क्या है, किस प्लैनेट से, किसके कारक तत्व से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। अभी सिर्फ इतना सा समझा रही हूँ, अभी आप इस पर मत ही जाना। ठीक है मैम, एक चीज बस जस्ट थोड़ा सा शुरू में मिस हो गया था। हाँ, तो ये जैसे सूर्य जो है, अगर केतु 1, 5, 7 हो गया, सूर्य अगर किसी और के नक्षत्र में है, वीनस के में है, शनि में है या फिर बुध के में है, तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? आप कुछ बता रहे थे वो मिस। शुरुआती, हाँ जी, शुरुआती तौर पर आपको कैसा दिखेगा सर कि मुझे दिक्कतें आ रही है? बिल्कुल शुरुआती तौर पर, लेकिन आगे चलकर कैसा होने लग जाएगा, चीजें अच्छी होने लग जाएगी। ओके, मतलब जब ये किसी और के नक्षत्र में है जो 1, 5, 7 में नहीं है, तो शुरू में प्रॉब्लम है, बाद में ठीक है। बाद में ठीक है, ठीक है ना सर, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है, फिर बाद में ठीक है। अभी इसी तरीके से एक तो चीजें मैं और भी दूंगी। इनकी खुद की दशा में भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सर बस ये है, जब आपका ये सूर्य है ना दशा में, हर वक्त दिक्कत रहेगी तो हर वक्त सर दिक्कत नहीं रहती है। ये आपका जो ये नक्षत्र है एक राशि में जाता है हर महीने, और उसमें 3 नक्षत्र में से निकलता है। कौन सा नक्षत्र आपके लिए खराब है सर, ये आपका पार्ट होगा, आप समझेंगे, लेकिन मैं हिंट जरूर दे रही हूँ आपको। जिस नक्षत्र में से निकलेगा वो नक्षत्र यदि आपके लिए नेगेटिव है, तो आपको उस समय रिजल्ट उसके अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। मैम आप ये कह रहे हो कि हमारे प्लेनेट किसी नक्षत्र में है लॉग के, और वो हमारे जन्म है कि प्रत्यारी में पड़ा है, उसके अनुसार वो रिजल्ट दे रहा है। बिल्कुल ठीक है मैम, यही कहना चाह रही हूँ। ठीक, यही चीज कहना चाह रही हूँ। हाँ जी आशुतोष सर, आप बोलिए। मैडम ये प्रोफेशन का आपने कहा ना सैटर्न अच्छा है, जैसे खुला है 8 नंबर है, सैटर्न का राहु है वो भी ठीक है, तो राहु इच्छा पूर्ति में कैसे मना कर रहे हैं? राहु इच्छा पूर्ति में कैसे मना कर रही है सर? राहु किस चीज का कारक है? हम लोगों की डिजायर का कारक है। ठीक है, डिजायर का कारक है। अभी ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने लगा रही हूँ, केतु के नक्षत्र बताओ। केतु के नक्षत्र में है सर। अब ये देखिए मैंने किस किस पर टिक किया हुआ है सर, 1, 3, 5, 7 नहीं, तो स्टार्टिंग में तो उस हिसाब से पॉजिटिव मिलना चाहिए कि राहु तो इसके लिए मतलब 1, 3, 5 अच्छा था, अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आएगी। इच्छा होने लगता है पूरा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, कई बार लोगों की बातें सुनी होगी ना मैम, 90% तक काम हो गया था, 10% पर आकर मेरा काम रुक गया। इच्छा पूरी हो ही रही थी, पता नहीं किसने आकर ऐसा कर दिया, कुछ भी बात, कुछ भी बन सकती है। दिखावा कर रहा होगा मैम उसका, दिखावा इल्यूजन हो रहा होगा, इल्यूजन कहीं ना कहीं दिखावा। ठीक है, मैम क्या मैं एक का जवाब दे दिया करूं उसके बाद बात बोला करो, थोड़ा इस तरीके से हो जाए। हाँ जी, या तो हाँ जी बोलो मैम, अब तो बोली बोलो मैम, अब बोली दो मैम, कौन बोल रहा था? पता नहीं मैम, कोई बोल ही रहा था, मैं तो कुछ बोल रही थी, फिर आप कोई बीच में ही बोला है, तो मुझे तो पता सभी लोग बोल रहे थे ना, पता नहीं। चलो कुछ नहीं, आप सभी लोग बोलो, जिसने जो बोलना उसके बाद मैं बाद में बोलूं। चलिए मैम मैं पूछती हूँ। हाँ जी, ये राहु केतु के नक्षत्र में है, हाँ, तो यानी नाना जी की इच्छा पूर्ति नहीं होगी, ये कह सकते हैं? डिजायर की बात हो रही है मैम यहाँ पर, दादा को इच्छा पूर्ति करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती होंगी, नाना की बात नहीं कर रही हो आप यहाँ पर, किसका नक्षत्र देख रही हैं आप? राहु का देख रही हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। आप राहु को देख रही हैं, राहु आपके दादाजी हो जाते हैं, दिक्कत आएगी उनको, दादाजी को। डिजायर की बात नहीं कर रहे हम लोग, डिजायर है व्यक्ति की, राहु आपके दादाजी हैं, अगर दादाजी की डिजायर को देखना है तो दादाजी के राहु को देखना पड़ेगा, किससे लिंक है। ठीक है मैम, राहु दादाजी है, दादाजी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा,
हाँ जी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा दादाजी को। राहु डिजायर है, डिजायर आपकी है, राहु तो आपके लिए दादाजी है, डिजायर क्यों हो गए राहु आपके, राहु तो आपके लिए दादाजी हो गए, डिजायर आपकी है। दादा के चार्ट का राहु बताएगा डिजायर पूरी होगी नहीं होगी, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे या कम लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये चीज है मैम हमारी। हाँ जी सर, अभी और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, फिर मैं अगला चार्ट ले रही हूँ। मैम मतलब ये जो है ना 1357 ये फिक्स है, 1357 में फिक्स मानिए। हाँ बिल्कुल मैम फिक्स मानिए, लेकिन आप सबके हिसाब से ये चीजें बदल जाएंगी। हाँ जिसका भी जो आएगा मून का हिसाब से वो चीज बदल, सबके हिसाब से बदल जाएगा। मैं चार्ट ले रही हूँ अभी, आप ही लोगों के चार्ट ले रही हूँ अभी फिलहाल। ये जो ये सीक्वेंस बनाने में किसी को दिक्कत आ रही हो तो वो मुझसे बात करो कि ये कैसे बना है, कैसे क्या है। अगर ये बनाने में दिक्कत आई है तो बात करो। लोग हाँ ना बोल दे बस, बाकी ठीक है। अब हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सबका क्लियर है यहाँ तक। ये चीज बनाने में किसी को तो दिक्कत नहीं है। मैम मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सपोज गुरु, सपोज कोई प्लैनेट है जो ये 1-3-5 के नक्षत्र में है, लेकिन अभी आपने कहा कि अगर वो तो एक प्रॉमिस हो गया कि ये दिक्कत देगा, हाँ। उसके बाद अगर वो गोचर में किसी अच्छे नक्षत्र से निकल रहा है जो उसका फ्रेंडली मींस ये दो चार छह का है, तो वो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा। वो थोड़े दिन की बात नहीं है, अगर मेरे जुपिटर शुक्र पर से निकल रहा है और वो अच्छे चीज की बात कर रहा है, तो जुपिटर का गोचर कितने दिन का है, 160 दिन का एक नक्षत्र का। अगर शनि का गोचर अच्छे उससे निकल रहा है तो ये मैं ये आगे आपको करवाने वाली हूँ सारी बातें, एक बस मैं अभी थोड़ा सा ये आगे का पार्ट हो जाएगा, ये सब आएगा, बस अभी जो चीज में कैसे हो रहा है मैं प्रॉमिस को आप लोगों को थोड़ा सा चेक करवाने पर। ये मैम वो रहेगा कि जिससे उम्मीद नहीं थी उसने मदद कर दी, उसने मदद कर दी, ये वो वाली बातें हैं। लेकिन अभी ठीक है चलते हैं। अब यहाँ पर ना पैसों की दिक्कत भी व्यक्ति बोल सकता है, आप ये बोलेंगे ना गुरु आ गया तो अच्छा होगा अच्छा होगा, देखो हर पल ना अच्छा भी नहीं होगा। सारा जो ये है ना सिस्टम हम लोगों का नक्षत्र पर टिका हुआ है। अगर वो जिस नक्षत्र में हम लोगों को पता है ये अभी केतु के नक्षत्र में है, अब जिसके लिए केतु का नक्षत्र और शुक्र आया हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए तो अच्छा है ना। गलत कब हो रहा होगा सर, गलत कब हो रहा होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने चीजें की है, ये व्यक्ति वादा करता है और मुकर जाता है, कहीं ना कहीं इसकी इंटेंशन प्योर नहीं है जिसकी वजह से इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चीज अच्छी होने के बावजूद भी। ठीक है ना सर, ये वो बातें, ये बातें मैं आगे ले लूंगी आप लोगों की, अभी तो फिलहाल जितना मैं समझा रही हूँ ना उतने से पे अगर हम लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर आगे चले, आगे बढ़े। जी जी, हाँ जी सर, कोई क्वेश्चन आशुतोष सर, कोई क्वेश्चन था? ठीक है सर, कोई भी मुझे अब अपना एक नक्षत्र बोल दो, कोई भी बिल्कुल बोल दो मैम। चंद्र जिसमें चंद्रमा जिस ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा तो किसका नक्षत्र है हम लोगों का, बुध का। हाँ जी मैम, बुध का नक्षत्र हो जाता है मैम हमारा, तो मैम सामने वाले ने हमें बोला बुध का नक्षत्र है, जब आप पैदा हुए होंगे आपको बुध की महादशा मिली होगी, ठीक है ना मैम, बुध की महादशा मिली होगी। दो नंबर पर इनका कौन हो जाएगा सर, यहाँ पर केतु, तीन नंबर पर इनका कौन आ जाएगा, शुक्र, चार में सूर्य, सूर्य चंद्र गुरु शनि, सर ये देखिए मुझे चार्ट अभी ऊपरी तौर पर क्या शो कर रहा है सर, सर मुझे पैसों से जुड़ी हुई समस्या रह सकती है या जो शुक्र से संबंधित चीजें मुझे उनसे संबंधित चीजों में दिक्कतें आ सकती है, चार्ट सर ये शो कर रहा है। चार्ट और क्या शो कर रहा है सर, मुझे बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, मेरी बेटी को कहीं ना कहीं दिक्कत रह सकती है, मुझे फ्रेंड सर्कल से कहीं ना कहीं दिक्कत रह सकती है, सर ये चीजें शो कर रहा है। ये चीजें क्यों शो कर रहा है इस चीज का तो क्लियर है ना आप लोगों को सर, ये बातें मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इनके कारक तक। अभी दिक्कत हो रही है क्या सर, आपकी तो ठीक है, नहीं आ मेरी सही है फिर, या तो आपके यहाँ से दिक्कत हो रही होगी। आ रही है आवाज क्लियर है एकदम। तो मैम आप देख लीजिए एक बार, तो सर हम लोगों ने अभी ये चीज देखी, अब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पहला तीसरा पांचवा सातवा, इनको इन कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे इनसे संबंधित हम लोगों को दिक्कत आ सकती है,
मैम थोड़ा बोर्ड को ऊपर कर दीजिए नीचे तब नहीं दिख रहा है अभी देखिए सर दिख रहा है मैम नहीं वो नौ नंबर छिप रहा मैम कुछ अब सही है ना मतलब अब ठीक है अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर अब ये बोल सकते हैं व्यक्ति के कहीं ना कहीं मदर व्यक्ति के कहीं ना मदर से रिलेशन यहाँ पर ठीक नहीं होंगे या मदर से कहीं ना कहीं दिक्कत रही होगी या व्यक्ति को एक फ्लो में दिक्कत आती होगी फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है सर क्योंकि चंद्रमा हो गया हम लोगों का या ब्लेम वगैरह व्यक्ति पर लग जाता होगा चंद्रमा जिन चीजों का कारक है अभी मैं उन चीजों को गलत ही बोल रही हूँ अभी मुझे नहीं पता सही है या गलत है अभी तो मैं गलत ही पकड़ कर चल रही हूँ राहु व्यक्ति को इच्छा पूर्ति में कहीं ना दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा सिर्फ इतने से प्लैनेट क्यों उठा रही हूँ क्योंकि इन प्लैनेटों के ऊपर मैंने कट लगाया हुआ है आपके यहाँ जी ठीक है ठीक है ये चीज अब इनके ऊपर ये लगाया हुआ है अब मुझे सामने वाले व्यक्ति से ये जानना है मैम ये बताइए आपका बुध किस नक्षत्र में है बुध का नक्षत्र बताइए आप ऐसा कर लीजिए एस्ट्रो सेट पर जाइए केपी को खोलिएगा तो उसके अंदर ना प्लैनेट लिखे हुए प्लैनेट के सामने नक्षत्र लिखे हुए दिख जाएंगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए और सर एक मिनट मैं ना आप लोगों को एक चार्ट भेज रही हूँ मुझे वो चीज भी आपको बताऊँ सर मैंने ना आप लोगों के ग्रुप पर एक बात पूछी थी कि इस टाइम पीरियड पर आप लोगों को पैसों से संबंधित कोई दिक्कतें आई या कुछ भी दिक्कतें आई जब आप लोगों के ग्रुप पर डिस्कस किया था तो कई लोगों ने बोला हाँ आई और कई लोगों ने बोला नहीं आई ठीक है उस चीज को मैं भेज रही हूँ और मुझे अभी मैं लूंगी आप सब लोगों से मैम जिसने मुझे चार्ट दिया उसने निकाल लिया हाँ जी मैम जी मैंने निकाल लिया देना मुझे एक बार उसके बाद मैं इसको मैं सर भेजती हूँ दो मिनट में पहले ये बात करते हैं हाँ जी मैम मैम जो नाइन्थ हाउस में गुरु है नहीं मैम नक्षत्र बताइए मुझे या तो मुझे बोल दीजिए मैं चार्ट बना चंद्रमा कौन से नक्षत्र में ये बताइए ज्येष्ठ नक्षत्र में वो तो हो गया ज्येष्ठा बोल दिया हाँ वो ज्येष्ठा बोल दिया सीक्वेंस बन गया आप ऐसा करिए मुझे डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए मैं बना लेती 23 अगस्त 1996 टाइम बोलिए दोपहर का पौने तीन 2:45 करनाल हरियाणा मैम एक बार ना चार्ट चेक कर लेना मैम देख लीजिए एक बार धनु लगन का चार्ट है फर्स्ट हाउस में इनका जुपिटर बैठा है फोर्थ हाउस में इनका सैटर्न केतु और मार्स वीनस बैठा है इनका सेवंथ हाउस में मरकरी राहु बैठे हैं इनके टेंथ हाउस में सन बैठा है इनका नाइन्थ हाउस में देख लो मैम एक बार सही है हाँ जी मैम तो देख गया अब सर मुझे यहाँ पर मरकरी ना अच्छी स्थिति में नहीं नजर आ रहा तो सर ये बताइए मरकरी सही में ही खराब है या मरकरी ऊपरी तौर पर आपको खराब दिखा है आप ही लोग जवाब दीजिए क्या बच्चे को एजुकेशन में दिक्कत आएगी नहीं आएगी या बिजनेस में इनको दिक्कतें आएंगी नहीं मैम बताइए बोलिए मैम जवाब दीजिए सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं जॉब कर रही है अभी तो बाहर है ना कनाडा में बेटी का मेरी मैम आपसे पूछा क्या इनको एजुकेशन में दिक्कतें आई थी नहीं नहीं मैम नहीं मैम ठीक है यही जो चीज हम लोग पूछ रहे हैं इधर पे अब मैम इधर केतु हम लोग ठीक है बाद में शुक्र आवाज बीच में ना कट जाती है मेरी मैम मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को आ रही है मैम क्या पैसों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है इनको वीनस इनका है जुपिटर के नक्षत्र में सर बताइए क्या पैसों से रिलेटेड आवाज कट आपके में नेटवर्क गड़बड़ है मैम आपके यहाँ से दिक्कत है मैम मैम ये बताइए क्या पैसों से संबंधित इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है करेगा जी मैम करेगा ठीक है अब यहाँ पर ये बताइए जो शुक्र का नक्षत्र है वो कौन सा है मैम जुपिटर है जुपिटर थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन फिर भी ठीक हो सकता है मैम हाँ ठीक हो सकता है ऐसा बोल सकते हैं मैम मुझे दिक्कत आई थी लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आया मेरी मदद कर गया
बोल सकते हो मैम यहाँ पर क्यों मदद कर गया, क्योंकि ये कौन है आपके लिए मित्र, अच्छा है आपके लिए कहीं ना कहीं जुपिटर का नक्षत्र, सही हो जाता है। मैम प्रोफेशन के बारे में बताइए, क्या इनको प्रोफेशन को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? शनि तो बहुत अच्छा है इनके चार्ट में, शनि किसके उसमें है, शनि के नक्षत्र में है मैम इनका, शनि शनि के नक्षत्र में, तो ठीक है काम धंधे के लिए फिलहाल यहाँ पर ये बोल सकते हैं। हाँ मैम ठीक, काम धंधे के लिए अभी सही है, लेकिन हम छोटी सी मेरी बात को समझिएगा, इस टाइम पीरियड पर क्या, इस टाइम पीरियड पर हम सामने वाले को पूछ सकते हैं क्या बच्चे के प्रोफेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ अड़चने आ रही हैं? आ रही है मैम। हाँ मैम क्यों आ रही है, आप इतना जवाब दे दीजिए। इस टाइम क्यों बोला मैम आपने, वो मेरी बात को आप पकड़ेंगे और आप ही मुझे जवाब देंगे, इसी वजह से मैंने बोला। आज नक्षत्र नक्षत्र में ये पकड़ा है आपने? हाँ जी मैम, किस नक्षत्र में शनि इस टाइम पीरियड पर? राहु के नक्षत्र में है। राहु क्या है व्यक्ति के लिए, प्रॉब्लम देगा। समझ में आ गया मैम क्यों बोला है मैंने, इस टाइम पीरियड पर दिक्कत आ रही होगी। ओके मैम, बट इन्होंने बोला कि मरकरी राहु था, बट स्टडीज में कोई परेशानी नहीं आई, दोनों ही नेगेटिव एक साथ है। मरकरी राहु के नक्षत्र में थोड़ी था, नहीं सर मरकरी राहु, मैं यही चीज तो इनको दिखा रही हूँ सर। सर मरकरी किनके नक्षत्र में है इनके? विनस, नहीं सर सन के नक्षत्र में साथ बैठे हैं, उससे कुछ नहीं है मैम, क्योंकि राहु इनके लिए ठीक नहीं है। प्लैनेट कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, प्लैनेट सूर्य के नक्षत्र में है। प्लैनेट असलियत में क्या है वो तो आपको दिख गया, अब आपको चार्ट में ये चीज, एक मिनट के लिए रुकिए, आपको चार्ट में ये भी दिखेगी कि भी शादी में दिक्कत आ सकती है, बात समझिएगा। हाँ जी, अगर मेरा ये शनि के नक्षत्र में है तो आपको दिक्कत दिख रही है? नहीं, मैंने क्या, थोड़ा बहुत विचार अलग कर देगा, थोड़ा बहुत वो करेगा, लेकिन है क्या, है तो सपोर्ट, दिक्कत आ रही है नहीं मैम, मैंने वो बेशक दिक्कत आ रही है, मैं अभी मंगल पर गई भी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने अपनी तरफ से बोला, ठीक है मैंने अपनी तरफ से बात बोली। हाँ जी मैम, जैसे राहु ठीक नहीं है और बुध भी ठीक नहीं है और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है सर, आगे बोलिए। तो वो पढ़ाई में परेशानी नहीं देगा क्या, वो जैसे बुध पढ़ाई का कारक, पढ़ाई का कारक बुध, बुध पढ़ाई का कारक बुध, आया तो मैं दिक्कत देने था, बात समझ में आई सर, आया तो मैं दिक्कत देने था। हाँ सर वही चीज मैं पकड़ाने की कोशिश में हूँ। ओहो अनंत सर कह रहा था उनको एडमिट कर, एक मिनट सर बस, आज भी लेट हो गया। वो मैं समझ गया मैम, शुक्र के राहु बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में है, बट दोनों साथ बैठे हैं कुंडली में, उससे कोई फर्क नहीं होगा, दोनों ही खराब है इनके लिए नक्षत्र वाइज, तो कुंडली में साथ है तो कोई परेशानी नहीं। हम दोनों साथ बैठे हैं सर, बात समझना सर, हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं, जो आपके पास होगा आप सामने वाले को, आप अच्छी बात करते हैं आप सामने वाले से अच्छी बात करेंगी, मैं बुरी बात करती हूँ मैं सामने वाले से बुरी बात करूंगी, हो सकता है सामने वाला आपको पसंद कर ले लेकिन मुझे पसंद ना करे, बात समझिए यहाँ पर। बट माइंड डाइवर्ट हुआ होगा अगर पढ़ाई से उनका हटा होगा, क्या हो सकता है, बंदा बाहर चला गया होगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना, या ऑनलाइन स्टडी वगैरह कर ली होगी, राहु से संबंधित जुड़ी हुई कोई स्टडियां कर ली होंगी यहाँ पर, वो कह रहे फॉर्म नहीं, हाँ जी वो उसने आईटी करी थी तो अब अकाउंट में चली गई है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्यों आई सर, दिक्कत क्यों नहीं आई, सपोर्ट क्यों मिल गया, सपोर्ट इस वजह से मिल गया, किसी व्यक्ति को सपोर्ट मिल पाएगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा वो बताता है नक्षत्र कि आपको सपोर्ट मिल पाएगा। सर देखिए कई लोगों का मंगल के साथ में केतु जुड़ा हुआ होगा, बात समझना सर, अगर मेरा मंगल अच्छी स्थिति में होगा तब तो मेरी शादी में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर मेरा मंगल खराब स्थिति में होगा तो ये मेरी शादी को तोड़वा देगा। केतु के साथ जुड़कर जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है तो दोनों ही नेगेटिव। सर मैं उस पर नहीं गई अभी, अभी तो मैं सिर्फ इतने से पर थी, आपने देख लिया तो प्लीज करिए प्रेडिक्शन, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। नहीं मेरे को यही समझना था, फिर राहु इनके लिए बहुत नेगेटिव हो गया क्योंकि राहु चंद्रमा के नक्षत्र दोनों ही नेगेटिव है। पूछिए मदर को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा या बच्चे की लाइफ में फ्लो आता है और फ्लो नहीं आ पाता है बच्चे की लाइफ में, पूछिए सर सामने वाले से। हाँ जी मैम, अभी भी उसका ट्रांसफर अभी होना है, उसका अभी उसने जाना है 27 मई को नवाश्कोशिया जाएगी ओंटेरियो से, ठीक है वो तो हम लोग फिर अभी का ट्रांजिट को, लेकिन एक चीज हम लोग चार्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
थोड़ा सा चार्ट को आ जाती है दिक्कत। सर ये कौन है, मदर है, मदर को हम पूछ सकते हैं क्योंकि आपने बोला राहु के उसमें मदर को किसी ना किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे की लाइफ में कुछ फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है, फ्लो को लेकर किसी प्रकार की दिक्कतें रही, सामने वाले से ही आप पूछेंगे ना। मदर को हाँ बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं, ये डिजायर है। अभी हो सकता है आपने देख लिया हो चंद्रमा में, मैं नहीं देख पाई हूँ सर, जो सीधा बोलूं आपने बोला चंद्रमा में, मानती हूँ चंद्रमा में, तो इसको डिजायर मतलब इच्छा पूर्ति होने में ना इसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी मैम। मैम क्या ये कह सकते हैं हम लोग कि जैसे प्लैनेट है उसका जो नक्षत्र है वो एक तरीके से कंजेक्ट है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे चार्ट में मैं कॉम्बिनेशन लेकर बैठी हूँ वीनस केतु का। क्या बोलते हैं एक एक वीनस केतु का जब कॉम्बिनेशन हम लोग चार्ट में लेकर बैठते हैं सर, हमें क्या बोला जाता है, पैसों के मामले में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यही बोला जाता है। या अगर जेंट्स की पत्रिका है तो बोला जाएगा आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें, इतनी बात यही बोली जाएगी सर। सर अब मुझे ये देखना है पैसों की दिक्कत इस व्यक्ति को होगी असल में, ये केतु दिक्कत पैदा करेगा पैसों के मामले में इसको, कि वीनस को सहारा है किसी का। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा वीनस है, वीनस इस यहाँ पर बैठा हुआ है राहु के नक्षत्र में सर। सर अब जो ये बातें बोल रहा है वो बातें फुलफिल होंगी या नहीं होंगी? हाँ, जब आप बिल्कुल शादी खराब होगी। अभी शादी खराब की बात ही क्यों कर रही है मैम आप मुझे बताइए, क्योंकि सपोर्ट नहीं है। हाँ, कोई तीसरा बंदा भी नहीं आ रहा, हाँ मैं तेरी शादी बचा दू, कोई ऐसा भी नहीं आ रहा। अब मैम यहाँ पर बात पलट गई, बेशक वीनस केतु के साथ बैठा है लेकिन वो केतु के नक्षत्र में। अब जवाब आपके बदल गए जी, अब जवाब बदल गए सर, अब जवाब बदल गए। सेम इसी तरीके से हाँ ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत से कॉम्बिनेशन सर चार्ट में आपके ऐसे होंगे, वीनस केतु मंगल केतु सर, नहीं टूटी है शादियां, नहीं आई है एजुकेशन में दिक्कतें, सैटर्न केतु नहीं आई है प्रोफेशन में दिक्कतें। हो सकता है व्यक्ति का इससे जुड़ गया हो, मतलब खराब से ना होकर अच्छे से जुड़ गया हो, गोचर का सहारा व्यक्ति को मिल रहा हो जिस वजह से व्यक्ति की चीजें संभल रही है कहीं ना कहीं पर। और जब सहारा मिल रहा है तो कोई ना कोई आकर मदद कर, किस तरीके का, या तो भाई व्यक्ति चला गया किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, सर मिल गई उसको रेमेडी कि लो भाई किस तरीके की तुम रेमेडी कर लो, एक सहारा मिल गया। आप ही आए, आपका दोस्त था, ऐसा कर तू इस तरीके का काम कर ले, या आपने मिट्टी भी उठा के दी तो वो भी लग गई, हाँ तुमने मुझे करके दिया था तो मेरा ये काम बन गया, क्यों उसको सहारा अच्छा है। अगर आपको सहारा ही नहीं है तो दिक्कत है। अब दो प्लेनेट मेरे चार्ट में बैठे हैं मरकरी राहु, मुझे पता है एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है व्यक्ति की। यहाँ पर मैं यहाँ पर बोल दूंगी व्यक्ति को आप ऑनलाइन एजुकेशन कर लो, ऑनलाइन एजुकेशन में भी तभी सक्सेस होगा, बाहर जाकर भी तभी सक्सेस होगा अगर मरकरी का सपोर्ट होगा या मरकरी को ट्रांजिट में सपोर्ट होगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं। मतलब नक्षत्र भी अच्छा होना चाहिए सबसे पहले तो। अब ये मेरे चार्ट में आया, मैं बच्चे को बोलूंगी एजुकेशन के लिए आप बाहर चले जाओ, आपका सही रहेगा। एग्जांपल के लिए जुपिटर ने या शनि ने आकर इसको खोल दिया, क्योंकि यही खोलेंगे आके। अब शनि मेरा आया राहु के नक्षत्र में आ गया, एक मिनट एग्जाम्पल केतु के नक्षत्र में आ गया। अब मैम ये जो ताला खुलेगा इन दो प्लेनेट को लेकर कैसा खुलने वाला है, इस टाइम पीरियड पर खराब लेकर आया था लेकिन इस टाइम का ताला अच्छा खुल गया, इसीलिए मैं इस चैप्टर पर थोड़ा बाद में जाऊंगी जब मैं आपको गोचर करवाऊंगी। ये अभी तो फिलहाल जो मैं जिस टेक्निक पर देने पर हूं ना आप लोगों को, आप लोग चार्ट में प्रॉमिस देखते हैं, एक्सीडेंट का योग बना, बिल्कुल बना हुआ है मैम, लेकिन वो एक्सीडेंट होगा कब, एक नक्षत्र आने पर होता है। हम लोग बोलते हैं नक्षत्र तो आया है, जुपिटर अभी केतु के नक्षत्र में है, आपका देख लेना 159 से किस किस से लिंक है, 1597 से। और आप सब लोगों को पता है जो जुपिटर है ना अभी अश्वनी मीन्स केतु के नक्षत्र में है जी, आपका जिन प्लेनेट से लिंक है उससे संबंधित आपके साथ अच्छा हो रहा होगा यदि केतु आपके लिए, उसी प्लेनेट से संबंधित आपको रिजल्ट में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही होंगी यदि केतु आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा किस तरीके से सर, ये सीक्वेंस वो चार्ट का प्रोमिस हो जाता है कि भी ये प्लेनेट मेरे लिए कैसा है। अभी भी सर प्लीज कोई डाउट है तो क्लियर करिए। प्लेनेट साथ में बैठा अच्छा है, इसका मतलब मैम नक्षत्र को देखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ये बताइए हम जानते हैं बीएनएन सबसे पहले काम किस पर होता था, नक्षत्र पर ना, नक्षत्र से ही काम होता था ना,
इसलिए बी एन एन में नक्षत्र थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि सर हम व्यक्ति को बोल देते हैं आपकी शादी हो जाएगी, भाई मैंने देखा हिसाब किताब हमने पढ़ चुके थे, आपकी शादी हो जाएगी, मुझे पता है जुपिटर सैटर्न वीनस से टकराते हैं ना तो पैसा अच्छा आता है सर। सर क्या पूरे साल भर, पूरे ढाई साल? नो, बीच में एक पैटर्न आता है जब आपके पास पैसा अच्छा आता है। किस व्यक्ति के पास किस टाइम पीरियड पर शादी हो जाएगी? अभी वीनस से रिलेटेड कहीं ना कहीं जुपिटर शुक्र से टकराया हुआ है सर। एग्जांपल के लिए कई लोगों का टकराया होगा, या आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में देखेंगे सबके पास पैसों की बारिश हो रही है, कोई पैसों की दिक्कत नहीं महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप सीधा उनके चार्ट को खोलिएगा और देख लीजिएगा ये हिसाब किताब बना हुआ है कि उस व्यक्ति को दिक्कत है, केतु उसके लिए अच्छा नहीं है। केतु ही क्यों बोल रही हूँ, सब आप सबको पता है अश्वनी में चल रहा है, सबको पता है। मैम आपने केतु की याद दिला दी सर, थोड़ा सा ले आनंद सर, केपी महावीर सर केपी एक बार दोबारा ज्वाइन करिएगा, अभी नहीं शुरू कर रही, 20 तारीख के बाद शुरू करूंगी दोबारा उसको करिएगा, फिर मैं एक मैम जो चंद्रमा राहु के उसमें है इसमें कोई उपाय कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं? मैम अभी नहीं पता मुझे, अभी नहीं पता, अभी सिर्फ आप प्रिडिक्शन पर थोड़ा सा जोर दे दीजिए, अगर इस पर जोर दे गए ना तो है रेमेडी है। नहीं मेरे को, मैं सारे टेस्ट करवा के आई हूँ ना, थोड़ा सा दिक्कत है थोड़ी, अभी करती हूँ बात में, बात अभी मेरे को थोड़ा सा इसके, क्योंकि फिर सबका अपने अपने बात आ जाएगी। हाँ जी, जैसे कि मैम किसी मरकरी के साथ अच्छा प्लेनेट बैठा है, ठीक है, लेकिन मरकरी नक्षत्र अच्छा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा? अब बात ये आ जाती है, एग्जाम्पल के लिए मेरे चार्ट में मरकरी सैटर्न का कॉम्बिनेशन है सर, जिसे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया है, वो व्यक्ति मेरे पे आके पूछ रहा है, मेरे पास आकर, मैडम क्या मेरी एजुकेशन में, क्या मेरी एजुकेशन में दिक्कत आएगी? जवाब दीजिए मैम, मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को देखने की जरूरत है, मरकरी के अंदर झांकने की जरूरत है, मरकरी की बात करने की जरूरत है मुझे, यहाँ पर मरकरी के अंदर झांकने की जरूरत है साथ में बैठे हैं उनके रिजल्ट आएंगे। हम क्या बोलते हैं, व्यक्ति जो पढ़ाई करेगा उसी से संबंधित काम करेगा और उससे उसको पैसा आएगा, ये बात कर रहा है। अब एक व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, मैं जो बिजनेस करूंगा क्या मुझे बिजनेस में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? हाँ जी देखो, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है आप जो पढ़ाई करी हो ना आप उसी को काम के रूप में चलाओ आगे, ये वो प्रेडिक्शन है, दिक्कत आएगी नहीं आएगी ये वाली बातें हैं नक्षत्र। Okay, मतलब मरकरी जिस नक्षत्र में बैठा उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, अब बस हमारी ये बात हो रही है, क्या बिजनेस में दिक्कत आ सकती है मुझे? जी, ये वो वाली बात है। एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है मुझे, ये वो वाली बात है। और ये प्रेडिक्शन क्या है मुझे, आपको मैंने बताया जो ये एजुकेशन लोगे उससे संबंधित काम करोगे पैसा बनाओगे, क्या मुझे पैसा बनाने में दिक्कत आएगी? ये नक्षत्र पे जाए तो नक्षत्र में चेक करना पड़ेगा, शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है। हाँ, क्या मुझे पैसा बनाने में दिक्कत आएगी? शुक्र को देखिए, ठीक है मैम, ये चीज है, वो तो प्रिडिक्शन है। मैम मेरे पास आ ही नहीं रहा है, मैम रिकॉर्डिंग तो आपको मिलती है, मैं कैसे अलाउ करूं आपको? मैम एक छोटा सा क्वेश्चन, मैम एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे आपने एक कॉम्बिनेशन बताया मरकरी सैटर्न वीनस, जैसे अगर हमें एजुकेशन में दिक्कत आ रही है तो हम मरकरी का नक्षत्र देखेंगे, और सैटर्न में प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है तो सैटर्न का नक्षत्र देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। पैसे की दिक्कत आ रही है तो हम वीनस का नक्षत्र देखेंगे, ठीक है, ऐसा ही है मैम? बिल्कुल ऐसा ही है। अब सीधी बात मैडम, पैसा एक फ्लो में नहीं आता है, बात समझिए सर, मेरा प्रोफेशन एक फ्लो में नहीं चलता है। फ्लो का कारक कौन है सर आपका? चंद्र। हाँ, के लिए आपको चंद्रमा को पकड़ना पड़ेगा, तो हमें चंद्र का नक्षत्र देखना पड़ेगा मैम। बिल्कुल ठीक है, किसी भी चीज के फ्लो के लिए पैसा, हाँ, वीनस, फ्लो, चंद्रमा। अच्छा, मेरे ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं, इल्जाम कौन है, ब्लेम कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अच्छी कंडीशन में नहीं है, जब भी ट्रेवल करता हूँ मुझे दिक्कत आ जाती है, साथ ही साथ मुझे ना इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। इन्फेक्शन कौन? चंद्रमा। चंद्रमा इन्फेक्शन देता है, ठीक है मैम, ठीक है। राहु पड़ा था नहीं, चंद्रमा इन्फेक्शन का कारक है हम लोगों का।
चंद्रमा जिस प्लेनेट से जुड़ता है उससे संबंधित इन्फेक्शन आपको बार बार होते रहते हैं, ठीक है मैम? मैम आवाज बोल कट रही है, बोल सकता हूँ मैम? मैं अगर आपके यहाँ मेरे यहाँ से कट रही होती सभी लोग बोलते मैम, पता नहीं क्यों मेरे सभी लोग बोलते मैम, फिर तो इसका मतलब आपके यहाँ से हो रही है। वाईफाई का कुछ होगा मैम, उपचार कर लो। चलिए कुछ नहीं होगा मैम। सर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए इसको। नो मैम, ठीक है। तो एक दो चार्ट पर कौन एक एक करके एक मिनट रुकिएगा सर, मैं ना वो अब आप लोगों को परखना है कि भी किसी का चार्ट आप जानते हैं, तो मैं ये आपके पास ना एज भेज रही हूँ। सर मैंने प्लेनेट की एज भेज दी आपके पास, ठीक है? जिस किसी का भी वीनस खराब नक्षत्र में बैठा है, खराब नक्षत्र इस तरीके से आप लोगों ने समझना है, ठीक है? जिस किसी का भी वीनस खराब नक्षत्र में बैठा है, अब जैसे मुझे पता है ये शुक्र है, अभी इसका नक्षत्र लेकिन खराब नहीं था, ठीक है? अगर इसका नक्षत्र खराब है तो आप लोगों ने सबसे पहले तो जिसका वीनस खराब नक्षत्र में बैठा है या जिसका शनि खराब, पहले वीनस की बात करते हैं, चलो जिसका वीनस खराब नक्षत्र में बैठा है और उनका वीनस किस साइन में बैठा है, मुझे ये चीज क्लियर करिए। नक्षत्र खराब बोलिए और साथ ही साथ साइन बताइए। तो मैं वो मैं वीनस सन नक्षत्र सन में है, सन मेरा खराब है और वीनस 10 नंबर में है। वीनस 10 नंबर की राशि में है सर, क्या एज है आपकी मैम? 46 क्या 36 के एज में आपको पैसों से संबंधित या वीनस से रिलेटेड किसी चीज से आपको दिक्कत आई सर? नहीं मैम। कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे पे 36 से ऊपर नीचे थोड़ा देखिए, वीनस से रिलेटेड कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह आपको आया हो, वाइफ के साथ कोई दिक्कत आई हो या वाइफ को कुछ दिक्कत आई हो उस टाइम पीरियड में, या आपको पैसों या लग्जरी से लेकर कि भी हाँ ये चीज मेरे पास होनी चाहिए थी वो चीज आपके पास नहीं हुई? वो तो पेरेंटल मिला, मेरा तो कुछ था नहीं मैम, पेरेंटल मिला, बट हाँ एलर्जीज, फूड एलर्जीज हुई थी उस टाइम पे, बट फाइनेंशियल नहीं था कुछ, ठीक है? कुछ नहीं, मैं वीनस के कारक तत्व ले रही हूँ सर। क्यों ले रही हूँ मैं अभी आपको ये चीज भी क्लियर करूंगी। किस वजह से बोला 10 नंबर? क्योंकि शनि की बात आ गई है सर। हाँ जी, मैंने ये एज आपको इसी वजह से भेजी है, यहाँ एज इसी वजह से भेजी है। और किसी का शुक्र खराब नक्षत्र में सबसे पहली बात मैम, बट ये निकाला कैसे 36 आपने? अच्छा ये 10 नंबर की राशि सर आपने मुझे बोला शनि की है 36 साल। हाँ जी, इस वजह से बोला सर, मैंने भेज दिया वैसे ग्रुप पर, ये आगे काम आ जाएगा, खैर हम लोगों ने जब डिग्रिया वगैरह करनी है। ये जो अभी भेजा मैम वो फिर चेक करना पड़ेगा ना, अभी चेक कैसे करें? मैं चेक तो करवा रही हूँ मैम आपको साथ के साथ, बोल तो रही हूँ कि शुक्र आपका कैसे नक्षत्र में अच्छा या बुरा वो आप बता सकती है मुझे, ठीक है? उसके बाद मैं ये चीज आपको बता रही हूँ। मैडम मेरा खराब है, जैसे 7 नंबर आया वीनस मेरा खराब है, बिल्कुल ठीक है सर। राशि बताइए किस राशि में है वीनस सर? 7 में, 7 नंबर की राशि में है सर। सर 25 की एज में कोई दिक्कत भी क्या रहा वीनस से रिलेटेड या वीनस को आपके कुछ दिक्कत आई? बट एक्चुअल वीनस का जो NL है वो राहु है, मतलब वो उसमें वो फेवरेबल है। बस सर फिर ठीक ना, ठीक है मैं उसी उस पर मैं वो बोले इसका थोड़ा सा जिसका वीनस खराब नक्षत्र में है। मैम मेरा भी खराब नक्षत्र में है और मेरा मंगल की राशि में है, स्कॉर्पियो में। 28 साल की उम्र में, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना चीज को। कुछ दिक्कत भी क्या आई मैम? यस मैम, मेरे बेटा हुआ था 29 और मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के थ्रू हुआ था, ठीक है। कुछ भी और कुछ मैम, कुछ दिक्कत वगैरह आपको जैसे लेडीज प्रॉब्लम कोई जैसे वीनस से रिलेटेड में? नहीं मैम वो तो नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं। कोई लग्जरी या कुछ भी और चीज की दिक्कत? यस मैम, लग्जरी को लेके वी वर स्ट्रगलिंग, हम स्ट्रगल कर रहे थे बस। यस थोड़ा सा इस चीज को मुझे वीनस पकड़ना है थोड़ा ज्यादा ना, इस वजह से मैं पूछने की कोशिश कर रही थी। तो ये मैच्योरिटी पीरियड लिए जुपिटर का सबसे कम ले रखा है। हाँ सर कम दे रखा है जुपिटर का। ऐसा क्यों सर? आगे डिस्कस करते हैं। ओके डन।
क्योंकि 16 साल में मैं समझ गई हूँ जो आप मेरे से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैं वो भी समझ गई कि भाई कोई एक एज नहीं होगी। फिर भी जैसे कई बार सर वो इस एज को ना इस तरीके से ले लेना कि भाई एक बच्चे को मिल रहा है, एक बच्चा चाह रहा है, मुझे सब मिल रहा था सर उसको, एक एज तक सब कुछ मिल रहा था। लेकिन ये जो एक एज आई ना थोड़ा सा ऊपर नीचे करने पर, यहाँ पर बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ गया अगर वीनस खराब है तो। नहीं वो सहमत हाँ, बट मतलब इनकी या तो वो कहते हैं चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, वो बाद में जब हम लोग डिग्री वाली चीजों पर आएंगे ना सर वो डिस्कस हो जाएगी बात। मैं समझ गई हूँ बात। हाँ जी, और कोई डाउट? हाँ जी सर। जैसे एक मरकरी है, एक्चुअली मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें मरकरी जो है वो 5 नंबर पे आता है। मरकरी मतलब खराब है, उसका जो NL है वो भी खराब है। नहीं सर, मरकरी जो आप अपने आप कह रहे हैं वाइफ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, उनके बिजनेस को लेकर बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, एक्चुअल में उनकी हेल्थ को लेकर कर रहा था मैं, क्योंकि उनकी हेल्थ सर, एक मिनट, वाइफ की हेल्थ को, एक मिनट सर, वाइफ की हेल्थ को लेकर आप मेरे से बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले वाइफ का जुपिटर मुझे बताइए कैसे नक्षत्र में, और उनकी देह कहीं ना कहीं वो रहती है, तो प्लीज मुझे मंगल का बताइए। जुपिटर भी 3 नंबर है, जुपिटर भी खराब ही हुआ। जुपिटर उनका खराब है, ठीक है सर, ठीक है, पर उनका NL ठीक है। NL ठीक है, मंगल बताइए सर मुझे देहा के लिए, क्योंकि देहा को कहीं ना कहीं तकलीफ रहती है। मंगल भी 1 नंबर पे है, मंगल जन्म नक्षत्र है वो भी मंगल खराब हो रखा है सर हम लोगों का, और मंगल का भी NL हाँ वो भी खराब है, वो भी खराब है हम लोगों का सर। 28 साल की उम्र में, ओ सॉरी, पहले मुझे अपनी साइन बताइए मंगल का। मंगल है 5 पे, लियो में, लियो में है मंगल इनका सर। 22 साल की उम्र में कोई ना कोई दिक्कत आई थी क्या इनको? नहीं मैडम, 22 में तो नहीं आई थी, एक्चुअल में वही मैं डिस्कस कर रहा था, 32 साल में न्यूरो की प्रॉब्लम आई थी। तो अगर न्यूरो को मैं मरकरी से लेता हूँ तो मरकरी से कनेक्ट होगा सर, तो मरकरी में आ रहा है वो प्रॉब्लम आ रही है। मरकरी खराब, मरकरी कैसा है इनके चार्ट में? खराब है, और मरकरी खराब है, NL भी खराब है। मरकरी का साइन बताइए। मरकरी भी 5 नंबर में है, लियो में ही है सर। 22 साल की एज में इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत हुई है जिसके बाद ये दिक्कतें बढ़ गई है। कई बार सर क्या होता है, व्यक्ति गिर जाता है, बात समझना सर, कई बार व्यक्ति ऐसा गिर जाता है, उस समय चल ठीक है उठ गया, लेकिन धीरे धीरे फिर ये दिक्कतें स्टार्ट हो गई है फिर ये सर। जो अभी क्या एज है उनकी सर, अभी क्या एज है उनकी, एक मिनट, अभी क्या एज है? अब तो 52 है मैम। 52 है, और दिक्कत अभी भी ज्यादा ही है? नहीं, अब वो मेडिसिन ले रहे हैं न्यूरो की ना, तब से ले रहे हैं, जब से मतलब 32 एज के एज से। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता, अभी हम लोग जब अगला हेल्थ का चैप्टर लेंगे ना, फिर एक बार मैं इनका चार्ट डिस्कस कर लूंगी आपके साथ में, हेल्थ के चैप्टर में ले लूंगी इनका चार्ट में, ठीक है। अभी ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं इसमें कोई मेरे को अभी सिर्फ थोड़ा सा वीनस को पकड़ने दीजिए, मैं आपको बताऊंगी भी ना आगे कभी ये चीजें सही। मैम वीनस यानी कि जो यहाँ पे अगर मेरा वीनस है और मेरे वीनस के ठीक सामने NL में लिखा हुआ है शनि। हाँ, अब शनि आपके लिए कैसा है पहली बात, तो वो मुझे शनि में जाके उनके NL को देखना पड़ेगा क्या मैम? ऐसा शनि का NL देखिए आपके लिए क्या है? वो मार्स है, मार्स समझे नहीं हो, मंगल तो है लेकिन मंगल आपके लिए है कैसा ये भी तो बताइए मुझे। नवतारा में कौन से पोजीशन? तो मैंने अभी ये सीक्वेंस आपको बनवाई थी इसी वजह से बनवाई थी कि भाई मुझे आप ये बताइए मंगल कैसा है। अच्छा, वो अभी मैंने पूरा किया ही नहीं मैम, मतलब चंद्र पहले में, चंद्र चंद्र का पहले जो आपने बताया था, पहले वो चंद्र का नक्षत्र कौन से में पहले वो बता। हाँ जी, हाँ जी, उसके हिसाब से सीक्वेंस बनाएंगे, फिर आप मुझे बताइए मंगल आपके लिए क्या है। राहु, राहु, राहु है मैम, तो मैम राहु हो गया मेरा, राहु के बाद गुरु आएगा, शनि, बुध, अच्छा है मतलब मंगल आपके लिए ना। हाँ मंगल तो अच्छा है, हाँ मंगल अच्छा है, ठीक है, फिर अभी इतनी बात ही नहीं करूंगी मैं, ठीक है। मैं सिर्फ वीनस से अभी थोड़ा सी बात करेंगे, प्रोफेशन भी है इसमें, कई चीजें आप लोग देख सकते हैं, हिंट जब आपको मिल जाएगा तो आप कुछ भी देख सकते हैं। हाँ जी राखी मैम, आप कुछ कह रहे थे? मैम मेरा वीनस 12 में है सर। मैम मेरा, मुझे लगता है बुध खराब है, क्योंकि मुझे भी न्यूरो की बहुत प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। कुछ नहीं मैम, हेल्थ के चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक उठा लेंगे, क्योंकि हेल्थ में जब बात आएगी तो प्लेनेट आएगा, प्लेनेट से संबंधित बीमारियां आएंगी, है ना। हाँ, हाँ, तो ये चैप्टर उठा लेंगे हम लोग, किससे संबंधित दिक्कत है वो चीज देखेंगे, लेकिन अभी इतने से पर रहते हैं हम लोग, ठीक है मैम। ये समझ में आ गया कि चंद्र से स्टार्ट करना चाहिए, कि चंद्र का पहला वो फर्स्ट हो जाता है, चंद्र से ही हमको देखना अगर है किसी व्यक्ति को इतना भी नहीं क्लियर हो रहा ना तो कुछ भी मत करो, आप ये देखिए आपकी महादशा किसकी थी, उससे आप सीक्वेंस बना लीजिए, उससे भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है ना वही आपको दशा मिलती, ठीक है मैम। बोलो, हाँ बोलो,
मैम मेरा जो शुक्र है सैटर्न के नक्षत्र में है। शुक्र शनि के नक्षत्र में है। हाँ शनि आपके लिए कैसा? मेरा अच्छा नहीं है। सैटर्न आपका अच्छा नहीं है। आप मुझे ये बताइए आपका शुक्र किस साइन में बैठा है? कर्क राशि में। चार नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो मैम 24 साल की उम्र में कोई दिक्कत आपको? जी स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है मैम फाइनेंस को लेके। ठीक है मैम हमारा मेरा वीनस जुपिटर राशि से आपने साल लगाया? हाँ वो मैंने देखो आपको एक चीज भेजी है आपने बोला चंद्र तो मैंने आपको वो चीज भेजी हुई है उससे आपको पकड़ में आ जाएगी। ठीक है ना मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी किरण मैम बोलिए। मैम वीनस हमारा जुपिटर में है 12 साइन में है और वो अच्छा नहीं है मैम जन्म नक्षत्र में है। वीनस आपके चार्ट में अच्छा नहीं है मैम। वीनस का साइन बताइए। 12 जुपिटर के साइन में है मैम। यहाँ पर अभी 16 साल की एज दिख रही है मुझे। हाँ मैम ठीक है ये 16 साल की एक एज दिख रही है हम लोगों को। अभी क्या एज है मैम? मैम अभी 52 32 के बाद तो आपने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। 32 के बाद तो आपने प्रोग्रेस काफी अच्छा किया है किसी ना किसी उसपे। क्या फायदा है तो 32 के बाद में पैसों से संबंधित वो नहीं बताएंगे। मैम 42 के बाद बहुत अच्छा हुआ है मैम। मैम 32 के जो अभी मैंने एक एज बोली ना मैम 32 के बाद 32 के बाद देखिए एक बार क्या एक उछाल सा कुछ आया था या क्या हुआ था कुछ अच्छा हुआ है इसका मतलब। मैम घर बनाया था हमने। ना पैसे के घर नहीं बनता वही तो। मैम लोन से बनाया कोई पैसे तो नहीं बना। मैम लोन भी हर किसी को मिलता नहीं है याद रखना ये बात को भी। आप लोन चुकाने के लिए पैसा रहा होगा ना मैम। एक बात बताओ क्या सर एक मिनट इन्होंने बोला घर बनाया मेरी एक बात समझिएगा क्या 100% बैंक लोन दे देता है? बात बताइए बताइए ना इतने तो सभी लोग इतना तो है कि 30+ भी गया तो इतनी समझ तो सब में है ना सर। लोन दिखावे के लिए लिया जाता मैम। सर कुछ नहीं ये अभी आज का जो टॉपिक था हमारा नक्षत्रा को लेकर इस पर कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करिए क्योंकि मैंने अभी आपको केतु समझाया नेक्स्ट में मैंने आपको राहु लेना राहु डिजायर है ना इस वजह से। अभी इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो बोलो इसको मैं गोचर में फिर बताऊंगी। अभी ये चैप्टर अभी हमारा आना है ये सिर्फ हम लोगों का एक प्रॉमिस हो रहा है थोड़ा सा कि कैसा है भाई प्रॉमिस। चार्ट में दिक्कत होते हुए भी व्यक्तियों को दिक्कत नहीं आती है। आप एक चीज हर मंगल केतु वाले की शादी नहीं टूटेगी हर वीनस केतु वाले की शादी नहीं टूटेगी हर वीनस केतु वाले को पैसों की दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है सर हर वीनस राहु वाला रईस भी नहीं होगा सर याद रखना। ये भी है क्योंकि देखो हमें सर जब गलत देखना है तो हमें सही भी देखना पड़ेगा जब सही देखना है तो थोड़ा गलत भी देखना पड़ेगा बिल्कुल हर एंगल से देखना पड़ेगा। हाँ जी और भाई ये मिल जाएगा मुझे ये मिल जाएगा मुझे मेरा गोचर अच्छा है मिलेगा जब ही सर जब आपका आपका सपोर्ट है तो मिलेगा नहीं तो नहीं। बिल्कुल ठीक है लोन तभी चलिए सर लोन चुकाने जब सपोर्ट होगा जब सपोर्ट होगा। ठीक है सर सामने वाला बैंक भी ITR देखता है हिसाब किताब देखता है उसके बाद जाके लोन देखता है तो इतनी समझ तो हमें भी है। मार्स आपका किसी भी नक्षत्र में हो गया सर और वो नक्षत्र आपको 2, 6, 11 दे रहा है आपको दिख रहा है पैसा आएगा लेकिन ये नक्षत्र आपके हिसाब में नहीं है याद रखना नहीं आने वाला नक्षत्र हो गया मैम तो मैम आपने 2, 6, 11 सुदर्शन नाड़ी का आपने निकाला ना ये 2, 6, 11 नहीं मैम नहीं मैंने वैसे ही बोला जो नक्षत्र आप नक्षत्र 2, 6, 11 आ रहा है तो व्यक्ति के पास पैसा अच्छा आएगा नक्षत्र ही सपोर्टिव नहीं है पैसा कहाँ से आएगा पैसा कहाँ से आएगा मैम नक्षत्र प्रॉमिस हो गया ना कहीं ना कहीं वो तो मेरा वो प्रॉमिस है यही तो लक्ष्मी मैम मैं समझाना चाह रही हूँ नक्षत्र प्रॉमिस है गोचर उसे फुलफिल करता है। अब मेरी ये दशा है बात समझना मंगल की दशा 2, 6, 11 दे रहा है मुझे पता है पैसा आने में दिक्कत आएगी लेकिन जो अभी के टाइम पर मेरा मंगल है किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है क्या वो नक्षत्र मेरा सपोर्टिव है तो जो वो नंबर दे रहा है वो मुझे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है मैम
प्रतारी अवध में आ गया तो नहीं आएगा, दिक्कत आएगा। इसलिए मैम आपने लास्ट टाइम बोला था डी नाइन देखना भी बहुत जरूरी होता है, आत्मा आत्मा ठीक है ना, वो मैं ऊपरी तौर पर दिख रही हूँ सर, वो मेरी आत्मा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था। चलिए सर मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। गुड मैम, थैंक यू लॉट मैम, थैंक यू।